तो और भाई लोग, क्या हाल है यार। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपको भी लॉन्ग रेंज स्प्रे करना है बिल्कुल प्रो प्लेयर्स की तरह, देन आपको वर्टिकल ग्रिप यूज़ नहीं करना है। एंड लॉन्ग रेंज में अगर आप वर्टिकल ग्रिप यूज़ नहीं करोगे तो कौन सी ग्रिप यूज़ करोगे जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो अगर आपको भी प्रो प्लेयर्स की तरह, जैसे कैसीटो जी, ग्रूजी, उनकी तरह लॉन्ग स्प्रे करना है, देन वीडियो देखते रहिएगा। एंड आपको कुछ अगर नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड वीडियो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वर्टिकल ग्रिप को यूज़ करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे गन में वर्टिकल ग्रिप को मैंने अप्लाई किया हुआ है। एंड एक एक करके मैं आपको हर एक ग्रिप का बताऊंगा। एंड यहाँ पर मैंने 6x कर दिया है। सो अगर आप वर्टिकल ग्रिप को अप्लाई करते हो लॉन्ग रेंज में तो कुछ ऐसा सा स्प्रे होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वर्टिकल रिकॉयल होता है, यानी कि जिस कारण आपका गन जो है ऊपर उठने लगता है, उसे वर्टिकल ग्रिप कम कर देता है। तो जिस कारण आप जब नीचे ड्रैग करते हो तो आपको रिकॉयल कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है। बट जो हॉरिजॉन्टल रिकॉयल होता है, जिस कारण आपका गन हवा में लेफ्ट राइट फ्लो करने लग जाता है, उसे ये कम नहीं करता है। ठीक है, तो बस यही एक माइनस पॉइंट है जिस कारण आप इस गन को यूज़ नहीं कर सकते लॉन्ग स्प्रे करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका एम काफ़ी वीक हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट ग्रिप है हाफ ग्रिप। ओके, सो हाफ ग्रिप का काम ये है कि ये रिकॉयल को कम करता है एंड रिकॉयल रिकवरी को इंक्रीज़ करता है। तो रिकॉयल रिकवरी होती है जब आप एक बुलेट फायर करते हो, देन आपका क्रॉस एयर वापस से अपने स्टेबल पोजीशन में कितनी देर में आता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक बुलेट फायर करने के बाद जो आपका गन क्रॉस एयर बाउंस करता है एंड वापस से उसी पोजीशन में आता है, उसे बोलते हैं रिकॉयल रिकवरी। बट जब आप हाफ ग्रिप लगा करके स्प्रे करते हो लॉन्ग रेंज में, देन क्या होता है, इससे रिकॉयल तो कम हो जाता है पर जो बुलेट स्प्रेड होता है इसका वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड इससे रनिंग टारगेट को हिट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हम हाफ ग्रिप को लॉन्ग रेंज में यूज़ नहीं कर सकते। हमारी अगली ग्रिप है लाइट ग्रिप। ओके, सो लाइट ग्रिप का काम यह है कि स्क्रीन शेकीनेस को कम करता है। जब आप कहीं पे फायर करते हो तो आपका बैकग्राउंड जो है वो शेक करता है, जिस कारण आपको एम करने में दिक्कत होता है। बट आप अगर लाइट ग्रिप को अप्लाई करते हो तो वो स्क्रीन शेकीनेस कम हो जाता है। बट आप जब स्प्रे करते हो तो ये रिकॉयल को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है, जिस कारण आप मूविंग टारगेट पर अगर आप स्प्रे करोगे लाइट ग्रिप को लगा करके, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आपको एम करने में। सो इसलिए हम लोग लाइट ग्रिप को यूज़ नहीं कर सकते लॉन्ग रेंज स्प्रे करने में। ओके, सो हमारी अगली ग्रिप है लाइट ग्रिप। एंड लाइट ग्रिप बेसिकली हर एक प्रो प्लेयर की जो लॉन्ग रेंज स्प्रे करता है उसकी सेकेंडरी चॉइस होती है। सेकेंडरी इसलिए होती है क्योंकि इससे भी एक बेटर ग्रिप है अवेलेबल गेम के अंदर, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड इसका काम ये है कि ये जो बुलेट स्प्रेड होता है इसे काफ़ी कम कर देता है, जिस कारण हमें एडवांटेज होता है। क्योंकि आप देख सकते हो इसके बुलेट स्प्रेड कितनी ज़्यादा कम है, इसकी गन की बुलेट इधर उधर बिखरती नहीं है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहती है एक ही जगह पर, जिस कारण हमें एडवांटेज होता है रनिंग टारगेट को हिट करने में। ओके, सो हमारी अगली ग्रिप है एंगल्ड फोर ग्रिप। एंड ये सबसे बेस्ट ग्रिप है अगर आप लॉन्ग रेंज में स्प्रे करते हो तो। एंड इसके फंक्शंस हैं कि ये आपको एम करने में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा, एंड रिकॉयल भी कंट्रोल करता है, एंड ये हॉरिजॉन्टल रिकॉयल कंट्रोल करता है। सो, सबसे पहले आप इसका स्प्रे देखो, लाइक इसका स्प्रे कितना ज़्यादा ओपी है। इसकी सारी बुलेट्स हेड के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, जिस कारण आपको गेम के अंदर काफ़ी बेनिफिट होएगा जब आप रनिंग टारगेट को हिट कर रहे होगे तो। ओके, सो अब मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों डाला है कि आपको वर्टिकल ग्रिप यूज़ नहीं करना है जब आप लॉन्ग रेंज में स्प्रे कर रहे हो तो। बात बड़ी सिंपल सी है, चाहे वो थंब प्लेयर हो या फिर क्लॉ प्लेयर हो, हर एक बंदा रिकॉयल को कंट्रोल करने के लिए अपनी स्क्रीन को नीचे स्वाइप करता है। भले ही आपको वर्टिकल ग्रिप थोड़ा सा 20% एडवांटेज देता है, पर वो हॉरिजॉन्टल रिकॉयल को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करता है, जिस कारण आपका बुलेट्स बहुत सारी मिस होती हैं एंड काफ़ी बार बंदा बच जाता है। बट आप अगर वहाँ पे एंगल्ड फोर ग्रिप यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, आप स्क्रीन को ड्रैग करके वर्टिकल रिकॉयल तो कंट्रोल करोगे ही, एंड एंगल फोर ग्रिप आपको एडवांटेज देगा कि वो हॉरिजॉन्टल रिकॉयल नहीं होने देगा, जिस कारण उसके बुलेट स्पीड काफ़ी कम होती है। एंड एक और एडवांटेज ये रहता है कि एम करने में काफ़ी हेल्प करता है ये एंगल्ड फोर ग्रिप, तो जिस कारण आपका एम भी बेटर होगा एंड आपकी बुलेट्स भी काफ़ी कम स्प्रेड होएंगी एंड आप आसानी से सामने वाले बंदे को डाउन कर सकते हो। याद रखना कि सबसे बेस्ट ग्रिप है स्प्रे करने के लिए लॉन्ग रेंज में अगर रनिंग टारगेट है तो एंगल्ड फोर ग्रिप, एंड सेकेंड बेस्ट है लाइट ग्रिप। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने हर दोस्तों के साथ जो लॉन्ग रेंज में स्प्रे करना चाहते हैं। तो आपसे कल मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय पबजी।